नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत से, स्वागत है आपका इस नए बैच में, इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप आने वाले बहुत सारे दिनों के लिए कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? Then let's get started, guys. Wow. So new batch start हो रहा है and really really happy with this live batch. So कुछ students live में join हुए हैं, कुछ बहुत सारे students हैं जिन्होंने Google Drive लिया है and I'm sure all of us are going to have the best time of our life for the next 1.5 to 2 months. क्या बोलता है public? All set. So मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो live वाले मेरे सारे students join हो गए हैं and we have students ranging from all over इंडिया। सो अक्षत सिंगला कुरुक्षेत्र हरियाणा, निसी बांगा पानीपत हरियाणा, असलम अंसारी कुशीनगर यूपी। अभी ये देखो, ये मेरे को चैट ही विजिबल नहीं हो रहा है, खटखट खटखट होते जा रही है चीजें, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आई विल स्किप द नेम पार्ट, फटाफट आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। निराली फ्रॉम मुंबई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रोहन बी से नागपुर, देखो मुझे दिख ही नहीं रहा है, इतना तुम लोग टाइप करते जाओगे तो कैसे दिखेगा। आरुषि रांची झारखंड, आरती हैदराबाद, भोपाल गुजरात, ओके आई थिंक बैंगलोर, ग्रेट। सो वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। अभिषेक कृष्णन केरला, यस यू कैन राइट योर वेकेशन अगेन। चलो सो टाइम टू गेट स्टार्टेड गाइस। ओके ओके, आरुषि खंडेलवाल टेली, और कोई सिटी बच गया है डाल दो भाई, सब सिटी से। के साई कृष्णा बेंगलुरु, आरुषि सिंगल ग्वालियर, दीपांशु शर्मा अलवर, रूपल मुंबई, ध्रुविन शुक्ला अहमदाबाद, लक्ष्मी दुबई। सो दुबई में टाइम तो इट वुड बी अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, लक्ष्मी नहीं 9:30 आई थिंक। प्रथमेश पुणे, मुस्कान पंजाब, रीवा लुधियाना, भरत सूरत, मीर चेन्नई। चलो गाइस लेट द गेम बिगिन। ऑन दैट नोट, सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये सेशन ऑन SFM। जस्ट टू टेल यू, जो अभी गूगल ड्राइव पे है, तो हम लोग का ये सेशन स्टार्ट हुआ उसके पहले स्टूडेंट लोग से ऐसे ही मैं थोड़ा इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा था एंड मैंने स्टूडेंट लोग को पूछा कि भाई तुम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा होना चाहिए अपना ये सेशन। And this is what I got from them. Sir, please, ये जो batch है उसको interactive रखना। I totally 100% agree with it. You know, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं, हाँ भाई ये formula है, ये काम है, ये है, हो गया, चलो sums हो गया, जाओ टाटा bye bye. No, it has to be highly interactive. And trust me, इतना मैं interaction रखूंगा कि काफी सारी चीजें आप लोग से derive करवाऊंगा, काफी सारी चीजें मैं derive करूंगा एंड ओवरऑल मजा आएगा, बट दैट हैज टू बी टिल द एंड। ठीक है, स्टार्टिंग का 4-5 दिन तो आप इंटरेक्ट करने वाले हो, मैं भी गारंटी के साथ बोलता हूं, बट अगर वो कंसिस्टेंटली करोगे ना, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बैक व्हाटसोएवर फॉर दिस सब्जेक्ट। सेकेंड था सर टेस्ट टाइम टू टाइम, सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो भी मैं अभी आप लोग को आज बताऊंगा। 200% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट इज वॉट आई एम हियर फॉर। इन डेप्थ एनालिसिस विद ग्लोबल कनेक्शन, सी देखो एक तरीका होता है कि मैं एज आई टोल्ड यू आओ आप लोग को खाली जितना मेरा ये बुक है, ये देखो ये बुक है आपका, ये बुक आपको दिया है, देंगे ये बुक आप लोग को मिलेगा, आप लोगों को बोलूंगा भाई ये देखो ये है, ये पढ़ लो और हो गया। एंड उसके अलावा वॉट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है ना, जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का उसका ग्लोबल कनेक्शन है। अगर आज अमेरिका में कुछ हो रहा है या यूरोप पे कुछ हो रहा है, उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आता है, इंडिया कैसे उसको मैनेज करता है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट्स, जो अपने को पढ़ना है। सो वो उसको मैं साथ में लेके चलूंगा तो ही आपको पूरा इनडेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता जाएगा। फॉर्मूला डेरिवेशन, ये तो अपना थीम होता है, कोई भी अगर आपने मेरा बैच अटेंड किया होगा या आप अपने सीनियर्स को पूछना, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला, ताकि आप लोग को फिर रटने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली इट शुड कम फ्रॉम विद इन। लिंकिंग विद प्रैक्टिकल लाइफ, मैंने खुद प्रैक्टिकली काम किया है एक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में,
तो कहीं ना कहीं वो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग, स्पेशली जब अपन डेरिवेटिव्स करने वाले हैं तब ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का लाइव ट्रेडिंग, इन जनरल शेयर्स का लाइव ट्रेडिंग, यस आई अश्योर यू दैट वी विल बी डूइंग दैट एंड रिविजन ऑन रेगुलर बेसिस। सो मेरा इसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब भी अपन कोई नया सेशन स्टार्ट करेंगे, तो से फॉर एग्जाम्पल जब मैं कल आप लोगों के साथ कोई सेशन लूंगा, तो उसके पहले आज जो भी चीज हुई है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। फिर कल जो भी मैं लेक्चर में करवाऊंगा उसका परसों रिवीजन होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट, सो दैट आप लोगों को सब चीजें याद आ जाए एंड देन वी विल मूव ऑन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। जो ये आने वाले 50 डेज इस डिसिप्लिन वर्ड को मैनेज कर गया, देन इन दैट केस समझ लो कि आपका काम हो गया। चलो, सो ऑन दैट नोट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं छोटे से मेरे एक इंट्रोडक्शन के साथ। सो यस, माय नेम इज सीए संकल्प कांस्टिया, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, एंड मैंने बॉम्बे से ही अपना पूरा स्कूलिंग, कॉलेज, आर्टिकलशिप सब मैंने बॉम्बे से किया है। आई वॉज फ्रॉम नरसिम्हन जी कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ मुंबई, एंड यस। चलो एक वो छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने। मैंने जब सीए अपना क्लियर किया, मैंने क्लियर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, आई ज्वाइंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जिसका नाम है जेपी मॉर्गन। जी हाँ, सो जेपी मॉर्गन इज इनटू हार्डकोर फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड इसके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना कहीं ना कहीं इज विद इन वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू। सीए बनने के इमीजिएटली बाद भी मुझे टीचिंग में ही आना था, ऑलवेज वॉज पैशनेट फॉर टीचिंग, बट कहीं ना कहीं माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर टोल्ड मी के भाई तूने सीए सीएस डिग्री लिया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ले ले, एंड देन यू कैन टीच टू योर स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी द राइट अप्रोच। सो मैंने 4 साल, 4.5 साल इनफैक्ट काम किया है अप्रोक्सीमेटली इन फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन, एंड वो सारा नॉलेज जो मैंने, एज आई टोल्ड यू, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, बिकॉज जेपी मॉर्गन वर्ल्ड का, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, एंड उससे बड़ा और क्या ड्रीम होगा टू वर्क देयर। सो वहां पे असेट मैनेजमेंट टीम होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम्स होता है, जो भी आपने फाइनेंस के बारे में सुना है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर इम्बाइब किया है, एंड दैट्स वॉट आई विल बी शेयरिंग विद ईच वन ऑफ यू। सो वो जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए आपको, ग्लोबल कनेक्शन चाहिए, क्या हो रहा है मार्केट में और उसका अपने सिलेबस पे क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें आप लोग के साथ मैं डिस्कस करते रहूंगा, बिकॉज इट विल कम विद द फ्लो, राइट? ठीक है, चलो। बाकी और अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जब मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, एट दैट पॉइंट इन टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग फ्रॉम योर एंड इज गोइंग टू बी टू वे कम्युनिकेशन। जितने भी डाउट्स आए बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मन में आप लोगों को लग रहा है स्पीक इट आउट। जितना आप लोग क्लास में मेरे साथ करते रहोगे उतना आप लोग को रिविजन करने में ईज पड़ेगा, बिकॉज फिर आप लोग खुद खुद को रिवाइज करवा पाओगे, एंड दैट इज वॉट एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट। अच्छा, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे सब लोग का जवाब चाहिए। कितने जन है यहाँ पे जो SFM फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, एंड कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को तो SFM आता है सर, अब एडवांस में पढ़ाओ, और कितने सारे लोग हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं जिनको SFM का कुछ भी आइडिया नहीं है। आई वॉन्ट एन अ पोल फ्रॉम माई लाइव स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो यहाँ पे है। ओके, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, हरिणी कुमार फर्स्ट टाइम, सैफ चुनावाला फर्स्ट टाइम, रूपल, लक्ष्मी, विभा, भारत, मुस्कान, ईशा, जयंत, कोमल, यश, जसलीन, महादेव। चलो मैं भी सबका नाम लूंगा ही नहीं सर, सबके सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यही मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए था कोरा कागज, ठीक है ना? अब इस कोरे कागज पे मैं लिखना चाहता हूं। थॉसी फर्स्ट टाइम, नो बेसिक आइडिया ऑल्सो अबाउट द सब्जेक्ट सर, SFM का फुल फॉर्म भी आज सीखे हैं हम तो। वेरी गुड, चल ग्रेट। सो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो वॉन्टेड, मुझे भी यही स्टूडेंट चाहिए जिनको कुछ नहीं पता, बिकॉज जो हाफ नॉलेज होता है ना वो डेंजरस होता है, तो वो चाहिए ही नहीं। सो आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स
एंड बस वहां से ही अपन पूरा बिल्डअप करते जाएंगे। सो मैं फर्स्ट डे पे फर्स्ट मिनट पे यही अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग को SFM के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एंड दैट इज हाउ वी विल बिल्डअप इन द नेक्स्ट 45 to 50 days। ग्रेट, कूल। चल, अब जैसे मैंने बोला कि जेपी मॉर्गन ने जो काम किया है वहां पे मैंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ कनेक्ट किया था, तो वो आप लोगों को मैं चीजें काफी सारी बताते रहूंगा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बेटर मेरे को सीखने को मिला जब मैं वहां पे था। व्हेन आई वाज इन जेपी मॉर्गन, मैंने वो वहां पे वो कंपनी को ज्वाइन किया था इन द ईयर 2009-10। वो टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 2009-10 के आसपास मैंने ज्वाइन किया था उनको, 2010 में प्रॉब्लम। अब वो टाइम पे यूएसए में ना रिसेशन चालू था, ठीक है? सो यूएसए में रिसेशन चालू था, तो वहां पे मार्केट्स बहुत डाउन जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे अब यूएसए का पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो मार्केट डाउन जा रहा है तो यहाँ पे तो इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो दे स्टार्टेड डेवलपिंग इन कंट्रीज जो वो टाइम पे रिसेशन फेस नहीं कर रहे थे, एंड वन ऑफ देम वॉज इंडिया। सो जेपी मॉर्गन के पास बड़ी बड़ी कंपनीज का फंड आता है, वो फंड जेपी मॉर्गन इंडिया में इन्वेस्ट करता है और उसको मैनेज करना हमारा काम था। प्लस देयर वर अदर कंट्रीज ऑल्सो जहां पे से फॉर एग्जाम्पल कुछ फंड्स था उनका कनेक्टेड फंड्स होता है। से फॉर एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन फंड है, तो जेपी मॉर्गन फंड का थोड़ा पैसा इंडिया में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा पैसा वो लोग यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं, यूके में थोड़ा पैसा, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करते हैं। सो ओवरऑल उस चीज को मैनेज करना इज वॉट आई डिड फॉर द 4 years दैट आई वॉज देयर। अब रिसेशन था ना, तो इतना कुछ सीखने को मिला है, बिकॉज बोलते हैं ना आदमी की जब परिस्थिति बुरी होती है ना, तब जितना मैक्सिमम होता है उससे अपने को सीखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो वो लोग रिसेशन में थे, अब रिसेशन में वहां पे तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो इंडिया में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न्स लाके देना है, ऑल ऑफ दैट वॉज डन। वो जो एक इनडेप्थ एनालिसिस किया ना, वो आप लोग के साथ शेयर जरूर मैं करते रहूंगा टाइम टू टाइम। नाउ यू विल नॉट बिलीव, जब 2010 में जब मैं ऑब्वियसली जॉब कर रहा था वहां पे जेपी मॉर्गन में, तो इतना बुरा रिसेशन था वहां पे कि फ्लोरिडा, आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्लोरिडा, इट्स लाइक अ बीच वाला जगह है यूएसए का, बीच फेसिंग बंगलो मिल रहा था तभी 15 लाख इंडियन रुपीज में। जी हाँ, इतना बुरा रिसेशन था। 15 लाख रुपए शायद आज से 10 साल पहले थोड़े बहुत ज्यादा ही थे, बट फिर भी यार मतलब 15 लाख रुपए में अगर फ्लोरिडा में बीच फेसिंग हाउस मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, इस तरह का रिसेशन था। बट तभी अपने को तो इतना आइडिया नहीं था, ना ही 15 लाख रुपए जेब में थे, तो जाने दिया। बट दैट्स हाउ द सिस्टम वॉज। सो वो भी एक लेवल देखा है, फिर एक हाई लेवल भी देखा है। सो आई थिंक मजा आएगा वो सब चीजों को करने में, राइट? दूसरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिकली करेक्ट विद द मार्केट, तो ही आप लोगों को ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? मैं आप लोगों को मेरा एक वाक्य बताता हूँ जो मैं यूजुअली मेरे हर बैच के पहले बताता हूँ, जो SCMP में भी है SFM के साथ, उसको 2 बार सुनना पड़ेगा शायद शाम को भी। हाँ, ये देखो जसलीन बोल रही है ले लेना चाहिए था, बट तभी पैसा भी नहीं था और तब पता भी नहीं था ना ये 15 लाख का आगे क्या होने वाला है। कहीं ये 15 लाख का 10 लाख हो जाता तो अभी तो लग रहा है अरे सर ले लेते, 15 लाख का अभी तो 1.5 करोड़ हो गया रहेगा। बट दैट्स हाउ द मार्केट इज। वो टाइमिंग तभी नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, एंड कुडंट गो अहेड। चलो एनीवे, सो जेपी मॉर्गन का खाली मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, ध्यान से सुनना उस इंटरव्यू के बारे में। सो जब मैंने जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू दिया था ना, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत सारे क्वेश्चन मुझे फाइनेंस रिलेटेड ऐसे पूछे गए थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया था, रिलेटेड टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिलेटेड टू ऑल द फाइनेंशियल मार्केट गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। और तब मुझे रियलाइज हुआ सर ले लेते तो लास्ट वीक का ट्रिप उधर ही होता, अगर मैं वो ले लेता ना तो ये पढ़ा ही नहीं रहा होता तुम लोग का भी ये सब्जेक्ट, क्योंकि तब इतना मैं पैसा कमा चुका होता यही सब रियल एस्टेट में। तो मुझे लगता है चल भाई ये लोग ये सब पढ़ा के क्यों अपना गला खराब करूं, मस्त में चिल मारता हूं ना, इतना पैसा डॉलर में कमा लिया होता मैंने, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, अभी मेरे जले पे नमक मत छिड़को। चलो, सो एनीवेज कमिंग बैक टू माय जेपी मॉर्गन इंटरव्यू। सो जेपी मॉर्गन में जब इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यू में काफी सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे थे मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब रिलेटेड, एंड मैं उनका जवाब फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूं अच्छी तरह से नहीं दे पाया था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार SFM पढ़ तो लिया है, बट कहीं ना कहीं जब आप मार्केट में जाते हो ना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है।
वो एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना पड़ेगा। एंड उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं एवरीडे बेसिस पे, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ूंगा। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब लास्ट 10 to 15 years मुझे याद नहीं है कब मेरी सुबह इसके साथ नहीं हुई है। मतलब दिस इज लाइफ, एंड वही कुछ मैं चाहता हूं आप लोग के साथ भी हो। आज अगर आप लोग शायद ये इकोनॉमिक टाइम्स खोल के पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये सब्जेक्ट होते जाएगा, ट्रस्ट मी यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड ग्रिप ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है, जब मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना था ना, तो मुझे भी लगता था अरे यार क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है, बोरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट तभी मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, फादर ने बोला कि तू ऐसा कर, तेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है वो पढ़ना चालू कर न्यूज़पेपर। बोला पापा मेरे को तो बॉलीवुड और क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जो है वो बोल रहा हूँ, आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन। सो पापा ने बोला ठीक है भाई, बॉम्बे टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर आता है वो पढ़ना चालू कर। ये देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास बॉम्बे टाइम्स और वो होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा है कि वो सबको पढ़ने में मजा आएगा। वो पढ़ के इंटरेस्ट जागना चालू हुआ, फिर इकोनॉमिक टाइम्स पे आया, एंड देन बस अब तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक व्हाटसोएवर। चलो एनीवेज, सो दैट्स हाउ द होल थिंग इज। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये चीज अपने अंदर इम्बाइब करो। ठीक है, टॉपिक के ऊपर तो मैं आ ही रहा हूं, बट ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आप लोग करना चालू कर दो ना साथ में, यू विल बिकम अ वेरी बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू नो आप लोग जब सीए का एग्जाम क्लियर करोगे ना, आप लोग के साथ शायद और कुछ 5,000 लोग वही एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, आप अपना एज कैसे लाने वाले हो यही सब चीजों से। ठीक है, सो वो भी कैसे डेवलप करना है आपके अंदर, वो स्पार्क कैसे डेवलप करना है, वो भी चीज मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, एंड डेफिनेटली वी विल गेट थिंग्स डन एंड डस्टेड। ओके, सो That's how the system works. So, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि खाली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट को इनडेप्थ ग्लोबल एनालिसिस के साथ पढ़ना है। तो सर सब्जेक्ट में है क्या क्या, सर वो तो बताओ। सो चलो आओ, लेट द गेम बिगिन। सो अपन करने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एज आई टोल्ड यू, बेसिक से मैं आप लोग को चीजें करवाते जाऊंगा। सो इवन दो आप लोग ने अगर कभी SFM किया है, अच्छी बात है, मैं अभी फिलहाल बोलूंगा उसको शिफ्ट कंट्रोल डिलीट मार के पूरा इरेज कर दो, मेरे से पूरा नया स्टार्ट। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वाह ही वाह, फिर तो बाद में कोई टेंशन ही नहीं है आपको, है कि नहीं। चलो, सो SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टोटल ये आप लोग के लिए आने वाला है 400 marks, एंड इट इज पेपर नंबर 2 ऑफ CA फाइनल। क्या सब इस सब्जेक्ट में आएगा, तो लेट मी टेल यू गाइस, दिस सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 chapters। जी हाँ, तो कौन से है वो चैप्टर आप लोग को मैं बता देता हूं। इन चैप्टर्स को मैंने 4 phases में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो मैं आप लोग को फेज पढ़ाने वाला हूं उसको मैंने नाम दिया है phase 1, फिर आएगा मेरा phase 2, देन इज phase 3, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज phase 4। तो वॉट इज गोइंग टू बी इन phase 1, सो यहां पे अपन लोग करने वाला। सर आपने क्यों इसको ऐसे फेज वाइज डिवाइड किया, वो भी मैं आप लोग को अभी बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो 4 phases इज वॉट, सो आज के बाद आप लोग भी फेज वाइज ही SFM को व्यू करोगे। ठीक है, भले आप लोग के लिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से यस देर आर अप्रोक्सीमेटली 15 chapters, बट अपने लिए उसको फेज वाइज ही अपने को उसको व्यू करना है। मैं अगर आप लोग को इंस्टीट्यूट का पूरा यहाँ पे आइडिया देता हूं, देन हियर वी हैव ICAI BOS। ये देखो आप लोग को ये इंस्टीट्यूट के उससे भी मैं कनेक्ट करवाता हूं। हियर वी हैव द स्टडी मटीरियल ऑफ CA फाइनल SFM। चलो खुल जा सिम सिम। ठीक है, ये आई थिंक एनीवेज, मैं आप लोगों को यहां पे एक एक जो फेज है वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फेज में वी आर गोइंग टू स्टडी 3 chapters। पहला चैप्टर म्यूचुअल फंड्स, देन वी आर गोइंग टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हां, देन वी आर गोइंग टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद अपन करेंगे
वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। जी हाँ, सो ये तीन चैप्टर होने वाले हैं आपके फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में होने वाले हैं नेक्स्ट चार चैप्टर, जो है आपके फॉरेक्स। कुछ भी अभी मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, मैं जब बोलूंगा तब पूरा का पूरा डिटेल में सब चीज लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ऊपर से और एक चीज, यहां पे मैं जो भी लिखवा रहा हूं ना, ऑल ऑफ दिस विल बी शेयर्ड विद यू ऑन माई गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव का आप लोग को लिंक मिलेगा आज प्रॉबेबली, एंड वो आई मीन मिल ही गया होगा, तो वो गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर आप लोग को ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग को अलग से मतलब नोट्स भी यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैं भूल जाऊं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर अपन राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे क्या? ऑब्वियसली, मतलब विदाउट राइटिंग SFM के ऊपर ग्रिप आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हर एक चीज अपन लोग राइटिंग पे ऊपर ही करने वाले, एंड इट इज गोइंग टू बी विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड राइटिंग, तो अपन करते ही रहेंगे हर एक चीज का। सो डोंट वरी फॉर दैट एट ऑल। फिर बाद में है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको IFM बोलते हैं, एंड फिर है IRRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चार चैप्टर आपके हैं फेज टू में। फिर बाद में आता है आप लोग का फेज थ्री। फेज थ्री में दो चैप्टर्स है, कौन से है ये दो चैप्टर्स? इट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A जिसको बोलते हैं अपन प्यार से, एंड फिर है कॉरपोरेट वैल्यूएशन, एंड लास्ट में है आपके थ्योरी चैप्टर्स। जी हाँ, थ्योरी चैप्टर्स में आ जाता है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। फिर बाद में आप लोग का आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर बाद में आप लोग का आ जाता है स्टार्टअप फाइनेंस, देन देर इज अ चैप्टर जहां पे आपका फाइनेंशियल पॉलिसी रिलेटेड चीजें है। सो ये चार से और दो चैप्टर है आप लोग के थ्योरी के। तो ये जो चैप्टर्स है आप लोग का हार्डकोर थ्योरी है। अब मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, मैंने इसको फेज वाइज डिवाइड किया है। क्यों ऐसा? बिकॉज लेट मी टेल यू, एवरी फेज कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन, और अगर आप ये अल्टीमेट 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो लेट्स डू इट फेज वाइज। सो आप यूजुअली कोई भी पेपर का एनालिसिस करोगे ना, मैंने किया है और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, तो अप्रोक्सीमेटली फेज वन से 25 मार्क्स आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फेज टू से आएगा 25 मार्क्स, फेज थ्री से आएगा 25 मार्क्स, एंड फेज फोर से आएगा 25 मार्क्स। सो बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत स्मार्टली मैंने ये फेज को डिवाइड किया है, इस सब्जेक्ट को फेजेस में, सो दैट आप लोग भी ये फेज वाइज पढ़ोगे ना, तो आप लोग को ये सब्जेक्ट बड़ा भी नहीं लगेगा, एट द सेम टाइम एक फ्लो में आप लोग का चारों फेजेस हो जाएगा, राइट गाइस? सो ये चार फेजेस के हिसाब से अपन लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फेज वन। दिस फेज अकॉर्डिंग टू मी एंड स्टूडेंट परसेप्शन इज लाइक अ मीडियम फेज, मतलब कुछ चीजें इसमें यू विल फाइंड द इजी, कुछ चीजें डिफिकल्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। मतलब मैंने यूजुअली देखा है 25 मार्क यूजुअली इंस्टीट्यूट का है, बोलती है, बट इस फेज में से 30-35 मार्क्स आता है। सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। फिर बाद में आता है फेज टू। दिस फेज आई विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, स्टूडेंट परसेप्शन से ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। आप लोग को नहीं लगेगा, डोंट वरी, बट स्टूडेंट परसेप्शन जो एक जनरल है वो ये डिफिकल्ट फेज में गिनते हैं इसको। फिर बाद में आता है इजी फेज, और फिर बाद में है आपका वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग फेज, विच इज योर थ्योरी। जी हाँ, सो दिस इज हाउ द होल बोलते ना, सब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय मी। ये वाला जो फेज है ना, फेज वन, इससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ये जैसा मैंने बोला मीडियम, फिर डिफिकल्ट। तो ये जो स्टार्टिंग के जो फेजेस है ना, इसमें आप लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले हो जाएगा, प्लस कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो एक अलग ही जोश रहता है, एंड दैट्स द रीजन आई एम स्टार्टिंग अकॉर्डिंगली। तो सर आप एकदम डिफिकल्ट से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे? सर फॉरेक्स डेरिवेटिव से कर दो भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि फर्स्ट डे पे ही लगे भाई ये क्या पढ़ा रहा है। तो इसके लिए लेट्स कीप इट मैनेज्ड। सो मीडियम से स्टार्ट करेंगे तो एक चैलेंज भी रहेगा,
और फिर धीरे धीरे राइट टाइम पे अपन पिक करेंगे एंड देन फिर इजी और वेरी इजी तो आराम से अपना निकल जाएगा। तो क्या आप लोग को ये फेस का अंडरस्टैंडिंग आ गया? ठीक है, सो आज से SFM 100 मार्क्स आपके लिए कितने फेजेस में डिवाइडेड है? 4 फेजेस में। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट फेज? दैट विल कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। डन। क्या इनडेप्थ इसके अंदर होने वाले वो तो अपन लोग अलग से पढ़ने ही वाले, बट एज आई टोल्ड यू ये सब्जेक्ट को अगर आप लोग इस हिसाब से करते जाओगे ना, देन इन दैट केस गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। पब्लिक सब एक साथ अपने ऊपर ले लेता है एंड वो गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं करना है अपने को, स्मार्टली ये सब्जेक्ट को मैनेज करना है। फेज वन समझ गए, फेज टू सर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ये तो मतलब अपना एकदम क्रीम है, यहाँ पे अपन लोग लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे जब अपन डेरिवेटिव्स करने वाले। फेज थ्री रिलेटिवली इजियर है, क्योंकि जब आप ये दोनों पहाड़ चढ़ जाओगे ना तो आपको लगे अरे यार फेज थ्री तो कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में फेज फोर, अब इधर मेजॉरिटी स्टूडेंट यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। मुझे जरा पूछो तो सर क्या गड़बड़ कर देते हैं इधर? अरे नहीं नहीं पूछो ना, एक बार तो पूछ लो मुझे, सर बताओ ना सर क्या गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट लोग ये वाले फेज में? पब्लिक ये वाला फेज ऑप्शन में छोड़ देता है यार। थियोरी का जो फेज दिख रहा है ना आपको, ये रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटाइजेशन वाला, ये वाला फेज पब्लिक ऑप्शन में छोड़ देता है। क्यों ऐफा? क्यों ऐफा? क्योंकि उनको लगता है कि थियोरी तो अपना ऑप्शन में निकल जाएगा, थियोरी तो अपना ऑप्शन में निकल जाएगा, तो वो क्या करता है ये सिक्योरिटाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टअप सिक्योरिटी एनालिसिस करके भी एक चैप्टर है, तो ये 5-6 चैप्टर है खाली, ज्यादा नहीं है, 5-6 चैप्टर है, तो उसको पब्लिक ऑप्शन में छोड़ देता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं और उसके बाद आप लोगों को पूछूंगा क्या ये फेज फोर थ्योरी का आप ऑप्शन में छोड़ोगे क्या, और मुझे फिर आप लोगों का जो जवाब मिलेगा ना बस वो जवाब एंड तक आपको याद रखना है। बताओ मैं क्या बताने वाला हूं, आओ जरा आओ 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 आओ। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं पास्ट पेपर्स। देखो कुछ भी हो जाए इतने भी अच्छी तरह से पढ़ लो, कहना इसे आप लोग पास्ट पेपर का एनालिसिस तो करते ही होगे, हाँ या ना? आप लोग ने भी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है, शायद फाइनल में एक ग्रुप दिया होगा। क्या आप लोग पास्ट पेपर का इंस्टीट्यूट के जो पास्ट पेपर आया या इनफैक्ट लाइफ में कोई भी एग्जाम दिया होगा क्या आप उसके पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो? बताओ मुझे, करते हो ना? तो मैं आप लोग के सामने लाया हूं लास्ट 5 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स, लास्ट 5 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर्स मैं लेकर आया हूं। जरा इन पास्ट पेपर्स को देख के एक चीज मेरे को बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको इधर, 1A 1B, ये जो 1C है ये आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे कोई बताएगा क्या? मतलब सर हमारे को तो SFM का S भी नहीं आता है, हम कहां से बताएंगे? अरे माना, बट कहना इससे मैं अगर आपको पूछूं ये प्रैक्टिकल या थियोरी क्वेश्चन क्या लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो? देखो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 2 चालू हो गया, ये क्वेश्चन 1A थोड़ा नंबर्स दिख रहा है प्रैक्टिकल लग रहा है, क्वेश्चन 1B नंबर्स दिख रहा है प्रैक्टिकल लग रहा है, ये क्वेश्चन 1C क्या दिख रहा है आप लोग को पब्लिक? कहना इससे थियोरी दिख रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, 1C में आप लोगों को थियोरी दिखा, वेरी गुड। 2A क्या लग रहा है? प्रैक्टिकल सर। 2B सर प्रैक्टिकल। अच्छा 2C आप लोगों को क्या लग रहा है? बोलो बोलो चल चल, ये 2C आप लोगों को क्या लग रहा है? अच्छा थियोरी लग रहा है, ओके बहुत बढ़िया। फिर बाद में 3A 3B, ये 3C आप लोगों को क्या लग रहा है? करेक्ट। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन 4A आ गया, 4A 4B, अरे ये 4C C C C, अरे ये 4C आप लोग को क्या लग रहा है? अच्छा थियरी। अच्छा 5A 5B 5C, अच्छा ये 5C आप लोग को क्या लग रहा है? कहने का मतलब समझ रहे हो? अच्छा 6A 6B, अच्छा ये 6C आप लोग को क्या लग रहा है? करेक्ट बॉस। बैठा बैठा एवरी क्वेश्चन का सी पार्ट 6 क्वेश्चन आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 24 मार्क्स आप लोग के सामने था ऑल ऑफ थ्योरी। ध्रुविन शुक्ला ने लिखा है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स नहीं राजा, 24 मार्क्स का आया है। पहले के टाइम पे क्या होता था पता है आप लोग को? पहले के टाइम पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 फुल प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 6 फुल थ्योरी।
तो अपने को तो पता होगा कि अपने को तो एनी फाइव मतलब टोटल फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सो एक क्वेश्चन पूरा जो थियरी का इंस्टीट्यूट पूछता था वो अपन ऑप्शन में निकाल देते थे। इंस्टीट्यूट ने नोट किया ये चीज, अच्छा हमसे होशियारी, इंस्टीट्यूट तो है ही होशियार का डेढ़ होशियार। सो इंस्टीट्यूट ने बोला आओ अब थियोरी ऑप्शन में छोड़ के बताओ, आओ आओ ब्रिंग इट ऑन। सो नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लीव थियोरी? द आंसर इज एब्सोल्यूटली नो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गारंटीड इसमें अच्छा स्कोर करना ही है। समझ रहे हो तुम लोग? अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बताई तुम लोग को, क्या बताया कि मैं अगर यहाँ पे थियोरी देखा, अभी आप लोग को एक पेपर दिखाया 1A, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, सब में चार चार मार्क का थियोरी। समझ रहे हो तुम लोग? अगर आप ऐसा थियोरी को बराबर करके जाओगे 24 मार्क्स गारंटीड इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। गॉट इट गाइस? अब बोलो थियोरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने एक अटेम्प्ट का दिखाया पेपर, ठीक है ना, तो एक अटेम्प्ट में आया सर थियोरी, जरूरी है क्या बाकी सब अटेम्प्ट में भी आएगा? तो चलो आओ देख लेते हैं बाकी सब अटेम्प्ट का भी। सो ये और एक अटेम्प्ट का पेपर है, कौन सा अटेम्प्ट का पेपर है चलो देखते हैं ऐसे ही। जुलाई 21 का पेपर है, चलो जुलाई 21 का पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B प्रैक्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 1C क्या दिख रहा है पब्लिक, क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1C? करेक्ट है कि नहीं थियोरी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 2C, ये क्या दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2C? ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2C क्या दिख रहा है? मेन फीचर्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क, थियोरी क्वेश्चन। पब्लिक यहां पे ही गेम छोड़ देता है, पब्लिक बोला अरे SFF प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, अरे माना प्रैक्टिकल है कोई डाउट नहीं उसमें, बट भाई ये थ्योरी जो है ना 20-24 मार्क का बॉस, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वो 75-80-85 वाला आंकड़ा क्रॉस करना है ना, 90s में जाना है ना, देन इन दैट केस थ्योरी आपको लेके जाएगा, तो इसके लिए इसको इग्नोर मत करना, एंड आई एम शोइंग यू द रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, क्वेश्चन नंबर 3C देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3C, अगेन अ थियरी। चलो आई होप अभी आप लोगों को आइडिया आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4A देखा, 4B देखा, 4C क्या है? अगेन अ थियरी। क्वेश्चन नंबर 5A देखा, सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ गए सर। नहीं नहीं आप लिख के बताओ, क्या थियरी ऑप्शन में छोड़ोगे या थियरी पे कम फोकस करोगे, क्या लिख के बताओ? आज का आज ही मुझे प्रॉमिस चाहिए आप लोग की तरफ से, ताकि आप लोग को दिखा पाओ फर्स्ट डे के प्रूफ पे ए थियरी ऑप्शन में नहीं छोड़ने का है कि नहीं? पूरा 4C गेम ओवर। 4C देखा, 5C देखा, 6A, B, C, ये देखो 6C क्या दिखा, क्या दिखा? परफेक्ट। तो प्लीज एकदम बराबर से करेंगे अपन लोग, आप लोग सब लोगों को प्रॉमिस करना है, ठीक है? और क्या होता है पता है, थियोरी यूजुअली लास्ट में करते हैं, मैं भी लास्ट में ही करवाने वाला हूं, तो तब तक थोड़ा कुछ स्टूडेंट लोग अरे सर थियोरी है कर लेंगे खुद से, ये एटीट्यूड रखते हैं, और वो खुद से वाला टाइम ट्रस्ट मी कभी आता ही नहीं है। एंड देन फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे आप पैनिक हो जाते हो, एंड यू नो जो मार्क्स इजी है क्लास में करवाया है सर ने, फिर भी वो अपन लोग बराबर से कई बार करके नहीं आ पाते हैं, एंड दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ दैट लैक ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी मैं आप लोग के साथ स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं। देखो मेरा ही बच्चा है जो SFM में शायद 100 out of 100 भी लाएगा, बट मेरा ही कोई बच्चा शायद 30s में 40s में भी लाएगा। क्यों वो डिफरेंस है? वो डिफरेंस डिसिप्लिन का है। अगर आप एंड टू एंड मेरा लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, अगर आप जो भी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं आने वाले 1.5-2 महीने में उसको आप फॉलो कर रहे हो, देन इन दैट केस देर इज नो लुकिंग बैक व्हाटसोएवर। सर क्या आप होमवर्क दोगे क्या? क्या आपको क्या लगता है होमवर्क देना चाहिए? 100% दूंगा, थोड़ा थोड़ा होमवर्क, थोड़ा थोड़ा, और उसको डिस्कस भी करूंगा। क्यों होमवर्क दूंगा? ताकि आप लोग का एक मोमेंटम बना रहे मेरे अलावा भी। सो थोड़ा होमवर्क करेंगे, मेजॉरिटी तो क्लास में ही करने वाले हैं, बट अगेन कौन वो होमवर्क करके आ पाता है, कौन वो डिसिप्लिन रखता है, इज गोइंग टू चेंज द गेम। सो बॉल इज इन योर कोर्ट। मेरी तरफ से मैं आप लोग को प्रॉमिस देता हूं, आज मैं आप लोग को प्रॉमिस देता हूं कि ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस आपने मुझे बताए, इन सारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मेरे को आपसे खाली एक ही एक्सपेक्टेशन है, आपने तो 8 रखा है, मैं एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, 8:1 का रेशियो रख रहे हैं अपन, डिसिप्लिन
डिसिप्लिन डिसिप्लिन, जितना मैं बोलू उतना बराबर से करके आओ, दैट्स इट, बस। क्या बोलते हो? प्रॉमिस गिवन टू मी, थैंक यू सो मच। कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे प्लीज। सो आई वॉन्ट दैट एटीट्यूड इन ईच वन ऑफ यू, और एंड करेंगे ना, मेहनत करके इसको अच्छी तरह से करेंगे, मजा आएगा आप लोग को भी करने में। एंड यस, थियोरी का तो मैंने पूरा का पूरा थियोरी, अभी मैं आप लोग को बाद में लास्ट में बताऊंगा, पूरा का पूरा थियोरी है ना, मैंने 15 पेज के अंदर कंप्लीट कर दिया है। बोलो, पूरा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल के साथ आप लोग मैच करना, थियोरी 15 पेज के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और क्या चाहिए अपने को, है कि नहीं? डन, चलो। सो ये एक मेरा पार्ट हो गया, ये पेपर मैंने जुलाई 21 का आपको दिखाया। चलो और एक कोई पेपर उठा दे, कोई भी उठा दे, कौन सा ये भाई पेपर, दिसंबर 21 का। तो जुलाई के बाद दिसंबर अटेम्प्ट हुआ था, बराबर है, दिसंबर 21 का आपको मैं पेपर दिखाता हूं, सेम क्वेश्चन 1A 1B 1C क्या है सर, समझ गए ना? अभी देखो कुछ चीजें हैं जो आप लोग के दिमाग में घुसाना पड़ेगा, तो वो ये है। यस, सो 15 पेज में पूरा का पूरा 1 घंटे में थियोरी रिवाइज, यूट्यूब पे तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप लोग अटेम्प्ट के लिए भी मैं अलग से करवाऊंगा, बट पहले क्लास में उसको इनडेप्थ करेंगे। देखो कोई भी चीज 15 पेज में या 1 आवर में समझनी है, तो उसके पहले अपने को थोड़ा मेहनत उसके पीछे डालना पड़ेगा, इन डेप्थ समझने का, फिर वो चीज शॉर्ट में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पब्लिक आजकल क्या चाहिए, सीधा शॉर्टकट पे जाता है, सीधा रिवीजन लेक्चर देके एग्जाम दे रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, पेपर में कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न डाला तो इन डेप्थ नॉलेज ही आपको काम आने वाला है, राइट? वैसा ध्रुवीन देखो बार बार बोल रहा है, सर प्लीज ये 9th पॉइंट एक लिख लो यहाँ पे कि सर बेसिक से पढ़ाना, सर हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है वैसे ही पढ़ाना। अरे हाँ मेरे भाई, तो वो तो तू यहां से, तू मेरे अभी उससे ही तुझे समझ में आ जाएगा। तू बोलेगा ना कि सर मुझे आता है, तो भी मैं तुझे बोलूंगा नहीं तुझे कुछ नहीं आता है, मुझे है ना बेसिक से पढ़ाने दे। तो ले, तेरी और एक जो डिमांड है स्टूडेंट की, वो और एक डिमांड को यहाँ पे मैं बोलता हूँ, विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है? डन, चल बस बेसिकली यही आप लोगों को बताना था, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, क्या डिसिप्लिन रहना मेरे भाई, डिसिप्लिन रहना। क्वेश्चन 1C, फिर बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया पब्लिक, 2A प्रैक्टिकल, 2B प्रैक्टिकल, 2C ओके ओके ओके, 3A प्रैक्टिकल, 3B प्रैक्टिकल, 3C थ्योरी, समझी गड़ू समझी गड़ू, ओके सर ओके, 4A प्रैक्टिकल, 4B प्रैक्टिकल, 4C एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, देन अगेन 5A 5B 5C कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ओनली थ्योरी, एंड सिंपल सिंपल थ्योरी आता है, बट पब्लिक करके नहीं जाएगा तो आपको सिंपल भी डिफिकल्ट लगना चालू हो जाएगा। चलो भाई, आई थिंक आई हैव पुट माय पॉइंट वेरी क्लियरली, कि थ्योरी को भी अपन उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज आई नो एज स्टूडेंट, आई नो एज अ स्टूडेंट, मैंने खुद ने भी SFM जब किया था ना, तो थ्योरी को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया था, बट अब जब मैं ये पेपर एनालिसिस करता हूँ एज अ प्रोफेसर, तब मुझे रियलाइज होता है यार ये तो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो डिफरेंस है ना 70 to 90 का, वो ये थ्योरी डिसाइड करने वाला है आपका। देखो अगेन लास्ट क्वेश्चन थियोरी, सो इतना हर क्वेश्चन का इंटरनल क्वेश्चन थियोरी है, सो वी ऑल नो ये हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो आप लोग का थियोरी ही सेवियर बनने वाला है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपका ऐसा निकाल देगा कि डिफिकल्ट लगेगा, सो आप लोगों को सेव कौन करेगा, ये थियोरी आप लोग को सेव करेगा कि हाँ भाई चल मैनेज हो सकता है पेपर, ठीक है? सो ये रहा, देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 1C, ये कौन से अटेम्प्ट का पेपर है भाई, मई 22 का पेपर है, चलो मई 22 थियोरी थियोरी। सो सर समझ गए सर, अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 2A 2B 2C, ठीक है? ओके, सो मैंने आप लोग को एक आइडिया दे दिया है, यस एब्सोल्युटली यस, सो थियोरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो अब क्या कोई भी फेज आप छोड़ोगे क्या? द आंसर इज नो। क्या कोई भी चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ोगे क्या? द आंसर इज नो। आर यू एक्साइटेड टू लर्न ऑल द चैप्टर्स? यस। और अगर ये चारों फेजेस एंड टू एंड आप लोग ने बराबर किए मेरे साथ एंड तक, आई अश्योर यू दैट यस 60 जो लोगों के लिए होता है
90 वो अपने को अपने आप के लिए रख रहा है. दैट इज द लेवल दैट वी नीड टू रीच टू. ठीक है, आप लोगों को अंदर से वो एक पॉजिटिविटी रखना रहेगा, कॉन्फिडेंस रखना रहेगा दैट यस ये सब्जेक्ट मेरे लिए गेम चेंजर होने वाला है फॉर दिस ग्रुप, या अगर आप दोनों ग्रुप देने वाले हो तो राइट. 70-80 तो इजिली, 90 इज वॉट योर एम शुड बी, 90s एंड अबव इज वॉट योर एम शुड बी, जो पॉसिबल है. 1-2-3-4 फेज बराबर से करेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली उस लेवल पे पहुंचेंगे एंड करेंगे परफेक्ट. डन. चलो, सो अब थ्योरी भी कितना इंपॉर्टेंट है अपने को पता चल गया है. बाकी तीन फेजेस तो एनी विच केस अपन करने ही वाले हैं, एंड फेज को मैंने डिवाइड किया है चार फेज चैप्टर वाइज. आई होप आप लोग को अभी पूरा का पूरा चीज क्लियर हो गया होगा. ऑलराइट गाइस, चलो डन. फेज वन में क्या आता है, फेज टू में, फेज थ्री में, फेज फोर में. सो फेज वन विल बी म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, उससे अपन स्टार्ट करने वाले अपनी जर्नी. चलो अब और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, एंड दैट इज अबाउट योर पेपर पैटर्न. सो क्या होता है पेपर पैटर्न, एकदम टिपिकल पेपर पैटर्न है ऑल सब्जेक्ट्स. टिपिकल ICAI पेपर पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम के 100 मार्क्स का आप लोग का पेपर आने वाला है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा जो 20 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है एनी 4, और ये भी 20 मार्क्स का होगा. ठीक है, अब यूजुअली यूजुअली ये जो इधर 20 मार्क्स आपको दिख रहा है ना, ये 20 मार्क्स 8+8+4 ऐसे करके आता है, एंड यहां पे भी यूजुअली 8+8+4 करके आता है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये यूजुअल ऑब्जर्वेशन है. इंस्टीट्यूट को चाहिए तो ये 5x4 भी कर देगा, वो इंस्टीट्यूट को चाहिए तो 2x10 भी कर देगा, इट कैन डू एनीथिंग. तो ये एक जनरल इंस्टीट्यूट ने जो पूछा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बट क्या ऐसा ही आएगा मुझे नहीं पता है. अपन सब चीज के लिए रेडी है. 5 मार्क का भी क्वेश्चन आने दो, 2 मार्क का भी आने दो, 10 मार्क का भी आने दो, 20 मार्क का भी आने दो, वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे अभी अगर आप लोगों को मैं ये पेपर दिखाऊं, देन इन दैट केस ये देखो पेपर कितने मार्क्स का, देखो ये 6 क्वेश्चन 8+8+4 20 मार्क्स वैसा करके आ रहा है. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाऊं, देखो 5A 8 मार्क्स 16 5C 4 मार्क्स, समझ रहे हो वैसा. से फॉर एग्जाम्पल 4 यहां पे भी देखो डिवीजन देखो, सो ये 9 कर दिया इन्होंने, 9+7+4. तो ऐसा थोड़ा बहुत इंटरनल ऊपर नीचे वो लोग करते रहते हैं. ठीक है, और एक पेपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 8+8+4 वैसा, राइट ओके. उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते अपन, से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखो 8+8+4 ये रहा आप लोग का 20 मार्क्स. सो आप लोग का आइडिया आ गया गाइस क्या आने वाला है आप लोग के पेपर में. सो ये 8 को कभी कभी 10 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर्स. ओके गाइस, गच्चा. चलो, सो नाउ अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपना अप्रोच क्या होने वाला है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो, एक तो अपन लोग जो सब्जेक्ट कर रहे हैं SFM, वो तो है ही, बराबर है. उसमें मैंने अभी तक आप लोग को इंस्टीट्यूट का एक आइडिया दे दिया कि भाई इंस्टीट्यूट के टोटल अराउंड 14-15 चैप्टर्स हैं, वो सारे अपने को करने हैं. बट उसको मैंने टैक्टिकली फेज में डिवाइड कर दिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4. ठीक है, इंस्टीट्यूट कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका अपन लोग ने आइडिया ले लिया, इंस्टीट्यूट का एक पेपर पैटर्न ले लिया. अब ये सबको मैनेज करना किसको है, आपको और मेरे को मैनेज करना है. तो अगर अपने को ये चीज मैनेज करना है, then in that case it becomes very important ki what is going to be our approach to fight with ICAI. wo jo apne ko magical numbers lana hai 80s ka 90s ka, wo magical numbers lane ke liye apna bhi to approach bahut sorted hona chahiye. so chalo main aap logo ko bata deta hu our approach to SFM. ji ha, apna approach kya hone wala hai is subject ko leke is now what we are going to do. Let the game begin.
महादेव एक बार री लॉग इन कर ले तो आई थिंक तेरा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो भाई, सो आर अप्रोच टू SFM इज गोइंग टू बी दिस। सबसे पहले कैन आई से अपना जो बुक्स है वो एकदम अप टू डेट और परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अपन लोग पढ़ने वाले वो बुक से ही है। तो चलो आप लोग को दिखा देता हूं मैं जो बुक आप लोग को मिलने वाला है SFM के लिए। एंड जी हाँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो चैप्टर से, उसके ऊपर आप लोग को यहां पे मैं लेके जा रहा हूं। सो पे अटेंशन, दिस इज गोइंग टू बी द बुक दैट यू आर गोइंग टू गेट। इसमें सबसे पहली चीज आपको लिखी जाएगी ये चैप्टर, दिस चैप्टर नंबरिंग इज एज पर ICAI। तो जब ICAI का आप मॉड्यूल ओपन करोगे तो वो मॉड्यूल में भी आप लोग को यही चीज दिखेगी। यस, सो जस्ट ट्राई। ये देखो, ये है ICAI का मॉड्यूल, एंड ये ICAI के मॉड्यूल के हिसाब से टोटल देर आर कितने चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स। फाइनेंशियल पॉलिसी जैसे अपन लोग ने इसको थ्योरी में डाला है, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये तीनों को थ्योरी में डाला है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इसको फेज वन में डाला है, याद आया सब। सो ऐसे करके टोटल देर आर 14 चैप्टर्स, एंड ये 14 चैप्टर्स में अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 इट इज म्यूचुअल फंड। सो एज पर ICAI मॉड्यूल मैंने भी अपनी बुक का नंबरिंग ऐसे ही दिया है, एज पर ICAI मॉड्यूल। तो आप लोग को उस चीज का फिर बाद में ऑटोमेटिकली चीजें ध्यान रहती जाएगी। ऑलराइट, ओके। इसमें ये फेज में है, फेज वन में आता है, 3+4=7+2=9, एंड ये पांच चैप्टर जो आप लोगों को दिख रहे हैं वो है थ्योरी के। इसमें आप लोगों को खाली मैं एक आइडिया दे दूं कि ये जो दो चैप्टर्स है रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, इनमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, बट प्रीडोमिनेंटली ये थ्योरी चैप्टर्स है, इसके लिए उनको थ्योरी में डाला है, बट साथ में जो प्रैक्टिकल है वो भी अपन लोग साथ में कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, सो आर अप्रोच टू SFM सबसे इंपॉर्टेंट इज द बुक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। एंड यहां पे अभी अपन लोग बात कर रहे हैं अपनी ऑप्टिमाइज्ड बुक का, जिसमें मैं क्या क्या कवरेज करवाने वाला हूं वो आप लोग को बता रहा हूं। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नेम एज पर ICAI मॉड्यूल, तो ये अपन लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया। फिर बाद में आप लोगों को दिखेगा एक मोटिवेशनल कोट। देखो भाई, रेगुलर बेसिस पे जैसे ये पेड़ पौधों को पानी देना जरूरी है ताकि वो जिंदा रहे, वैसे इंसान को मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। और वो ये आप लोगों को कोट्स रीड करके आएगा। पहला कोट मैंने स्टीव जॉब्स का लिखा, ही इज माय फेवरेट लीडर, ही इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड टू मी, सो मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं। तो इनका एक कोट है, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर वॉइस, ऐसे ये तो एक कोट लिखा है। ऐसे रीड करते रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, मोटिवेट करते रहना। फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखेगा मार्क्स एलोकेशन ऑफ ICAI पास्ट एग्जाम्स, जो एनीवेज आप करने वाले हो, बट आपका टाइम अब हम वेस्ट नहीं करेंगे उस चीज में, हमने ये चीज आपके लिए ऑलरेडी करके रखी है। सो पास्ट पेपर एनालिसिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द बुक इमीडिएटली। सो यहां पे मैं लिख देता हूं पास्ट पेपर्स एनालिसिस, पास्ट पेपर्स एनालिसिस, ए समझियो एवरीवन, ओके। उसके बाद में आपको इस बुक में और क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है स्टडी मेंटोर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था SCMP में, एंड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर एज वेल। तो क्या है एग्जैक्टली ये स्टडी मेंटोर, सो क्या होने वाला है ये स्टडी मेंटोर में, आओ मैं आप लोगों को बताता हूं। लिसन, स्टडी मेंटर में आप लोग को जो भी इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी प्रैक्टिकल जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पे मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, कोई चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं फिर उसके एंड तक पहुंचते हैं ना तो भूल जाते हैं स्टार्टिंग में क्या था, तो ये स्टडी मेंटर आप लोग को याद दिलाते रहेगा। दूसरा जो स्टडी मेंटर का काम है वो है आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, एंड वो आप लोग को हर बार याद दिलाते रहेगा कि भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है तेरा। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो एक टिक मार्क करोगे ऐसे, तो मेरे साथ जब आप लोग का हो जाएगा तो अपन लोग ये फर्स्ट टिक मार्क करेंगे, फिर मैं आप लोग को बोलूंगा चलो घर पे रिवाइज कर लो, टेस्ट देना है, तो ये जब आप करोगे सेकंड टिक आ जाएगा, फिर जब आप वापस से अपने आप के लिए रिवाइज करोगे थर्ड टिक, फिर एग्जाम के जब एक दो दिन पहले रिवाइज करोगे फोर्थ टिक एंड फाइव टिक।
ये जो टिक वाला सिस्टम है ना, प्लीज इसको रिलीजियसली फॉलो करना, डिसिप्लिन से फॉलो करना। एंड अगर ये पांचों टिक हो गए तो इसका मतलब डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आयुषी गोयल इज सेइंग सर इट हेल्प्ड अ लॉट टू मी इन SCMP आल्सो एंड आई एम श्योर SFM में भी ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो जैसे जैसे मेरा होते जाएगा मैं भी टिक करवाते जाऊंगा। एट द सेम टाइम आपको भी चीजें ध्यान में रखनी है कि आप जब रिवाइज करते जाओगे यू आर डूइंग दिस, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बॉस आप लोग का कोई चैप्टर हो जाए और तीन चार टिक्स हो जाए तो आप लोग मेरे को इसका स्क्रीनशॉट या ये शेयर करते रहो, सो दैट इट इज यूजफुल इन जनरल टू यू। एंड मेरे को भी एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई आप लोग की चीजें राइट ट्रैक पे चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। सो प्लीज इसको करते रहो। और देखो आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता ही दिया है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो 3 बार तो इसका टिक होना ही चाहिए हर कॉन्सेप्ट का और हर सम का। बट आपकी सोच और बड़ी है, रैंक लाना है। अब अगर आपका एक ही ग्रुप बचा है तो आपके लिए रैंक हो गया गेटिंग 75 to 85 marks इन दिस सब्जेक्ट। बट अगर आप बोलते हो नहीं सर हमको तो 90-95 क्रॉस करना है, देन इन दैट केस वो फिफ्थ वाला बी बॉक्स आपका टिक्ड होना चाहिए। आई अश्योर यू यू विल बी एबल टू रीच टू योर ड्रीम वेरी वेरी सुन, ठीक है। सो ये स्टडी मेंटोर है, हर सब्जेक्ट के स्टार्ट में आपको ये स्टडी मेंटोर मिलेगा। आपको रिलीजियसली प्रॉमिस के साथ इसको फिल करते जाना है एंड जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाओगे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस सही है। प्लस इसको और कैसे यूज कर सकते हैं तो आप इसमें ना चीजें हाईलाइट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको लग रहा है कि यार ये ना क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हाईलाइट करके रख लो, ठीक है। अब जब आप एग्जाम के लिए आओगे, सो से फॉर एग्जाम्पल आप FR का एग्जाम देके आओगे, उसके बाद में 1.5 डे है आपको पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बट ऑब्वियसली उस दिन सारा का सारा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपने ये जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें मार्क की है देन इन दैट केस वो इंपॉर्टेंट जो भी ये टिक मार्क है उससे यू विल बी एबल टू गो टू दैट पेज नंबर, इमीजिएटली वो क्वेश्चन को सॉल्व किया और आप लोग का काम हो जाएगा। गॉट इट गाइस, गॉट इट गाइस। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क। सो ये आप लोग को अगेन एक एडिशनल बेनिफिट है। तो आप लोग के पास जो हाइलाइटर्स होते हैं उससे आप लोग को जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मैं भी आप लोग को टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा कि भाई हाँ भाई चलो क्वेश्चन 44 नवंबर 20 में आया था, अब आ सकता है आपके अटेम्प्ट में, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग को वो इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है एग्जाम टाइम पे विदाउट फेल, उतना रिवाइज करके जाना है, आपके कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, आपको यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर इन अ स्मूथ मैनर। ए समझू एवरीवन, क्लियर है? चलो डन, ठीक है। सो ये आप लोग का नेक्स्ट चीज हो गया। क्या नेक्स्ट चीज मैंने लिखा है? स्टडी मेंटर। क्या स्टडी मेंटर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा? क्या द आंसर इज है यस। क्यों स्टडी मेंटर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा? बिकॉज जो प्लानिंग है किसी भी रैंकर को या आपके प्रोफेसर को या स्टूडेंट को पूछ लो जिसने एग्जाम पास किया है, प्लानिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज लाइक इनपुट, जितना अच्छा आपका इनपुट प्लानिंग होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट मार्क्स एग्जाम में आएगा। तो स्टडी मेंटर जितना अपना टिक होते जाएगा, समझ रहे हो, उतना आपका प्रैक्टिस हुआ है और जितना प्रैक्टिस होगा उतना आदमी परफेक्ट होते जाएगा वो पार्टिकुलर चीज में। सो आई होप यू गाइस आर वेरी क्लियर एंड वी विल डू दिस वेरी वेरी रिलीजियसली। डन गाइस? यस। चलो सो स्टडी मेंटर, उसके बाद में आ जाता है प्रीव्यू। इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है उसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्या टाइप्स ऑफ स्कीम्स है, क्या क्या म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सब चीजें इसमें आ गई है, ठीक है। सो चारुल का एक क्वेश्चन है सर कैन वी ऑल्सो डू मॉड्यूल अलॉन्ग विथ योर बुक्स? द आंसर इज नो। See, आप लोग को फिर मॉड्यूल करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप लोग ये बुक कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए, मॉड्यूल का थ्योरी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैंने ले लिया है, फॉर्मूलाज मैंने इसमें सारा ले लिया है जो इंस्टीट्यूट ने तो अलग से दिया भी नहीं है, इंस्टीट्यूट ने तो ऐसा प्रीव्यू व्यू कुछ भी नहीं दिया है, इसी में मैंने अलग से RTP एंड पास्ट पेपर क्वेश्चन भी ले लिया है जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नहीं दिया है। तो ये बुक तो मॉड्यूल से एक लेवल ऊपर हुआ ना, मॉड्यूल का तो है ही बाय डिफॉल्ट इसमें, बट उसके अलावा भी सब है। अब आप बोलोगे सर मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने जिस हिसाब से सॉल्व किया है तो मैंने ये मॉड्यूल का ही आंसर्स यहाँ पे लिया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
मैं आप लोगों को इजी वे में भी बताऊंगा, और ये मॉड्यूल का जो है यहाँ पे वो तो आप लोग के पास चीज है। सी द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस एग्जॉस्टिव बुक इज सिंपल, कि आप लोग को और किसी चीज का या बुक का रेफर करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बुक हो, एक ही वन स्टॉप शॉप हो, तो एक ही चीज को ढंग से बार बार 5 बार करोगे ना, देन इन दैट केस काम हो जाएगा। गलती पब्लिक क्या करता है, 5 बुक करता है एक एक बार, उससे अच्छा एक ही बुक को करो 5 5 बार, मार्क्स देखना आपके, आपको खुद को समझ में आ जाएगी चीजें। सो जब मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, एवरी सिंगल वर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल इज बीन टेकन इन दिस बुक, उसके साथ आरटीपी पास पेपर भी ले लिया है, तो साथ में जब इतना सारा चीज मिल रहा है तो अपने को क्यों फिर मॉड्यूल पे जाने की जरूरत है, टेंशन ही नहीं है। थियोरी है मॉड्यूल का ऑलरेडी ले लिया है, अभी वही सब बताते जाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू आप लोग जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ स्कीम्स, ऑप्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, प्लान्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें देखो इधर फॉर्मूलाज है आप लोग के लिए क्विक रिविजन के लिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आप लोग को दे दी है। सो ये आ गया आपका इधर, क्या आ गया आपका प्रीव्यू। कैन आई से प्रीव्यू क्या है, इट इज लाइक अ चैप्टर समरी प्लस फॉर्मूलाज। क्या है ये मेरा प्रीव्यू, चैप्टर का समरी प्लस फॉर्मूलाज एक जगह पे। अब सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड करवाऊंगा, जब मैंने म्यूचुअल फंड पूरा करवा दिया तो आप रिवाइज करोगे, जब आप ये म्यूचुअल फंड को रिवाइज करोगे ना तो आप लोग प्रीव्यू पे जाओगे, आप लोग को सारा म्यूचुअल फंड याद आ जाएगा, सारा म्यूचुअल फंड आप लोग को याद आ जाएगा, समझे। यस सर। फिर मैं आप लोग के साथ करवाने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन लोग बनाएंगे बुक में, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्टूडेंट नोट्स। जी हाँ, ये कौन बनाएगा पता है, ये बनाओगे आप मेरे हेल्प के साथ, मेरे सपोर्ट के साथ। क्या आप लोग ने एक चीज नोट किया, अभी अगर आप लोग ने इतने सारे एग्जाम्स दिए होंगे, इंटर के एग्जाम्स दिए होंगे, फाइनल तक पहुंचे हो, कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्या आप लोग ने ये चीज ऑब्जर्व की है। कहना इसे हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपन लोग कुछ अलग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, करेक्ट। तो वो जितने भी फॉर्मूलाज हैं हर एक क्वेश्चन में जो अपन लोग नोट्स बनाते हैं या कुछ अजम्पशन डालते हैं या कभी कभार कुछ उससे ही वो क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, उसका एक सेल्फ रिटन स्टूडेंट नोट्स अपन बनाएंगे एट द एंड ऑफ एवरी सेशन। और एंड में क्या होगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट नोट जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग के पास एक साथ रेडी हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। तो स्टूडेंट नोट्स के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा एक अलग नोटबुक ही रखना, जैसे जैसे अपन लोग कोई क्वेश्चन करते जाएंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आते जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू, सो ये अपन लोग का एक पॉइंट आ गया, तो मैंने लिख दिया डिविडेंड इज गिवन ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर, सो उसका फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, तो ये एक फॉर्मूला आ गया, वो चीज मैंने स्टूडेंट नोट्स में डाल दी। तो ऐसे से फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूचुअल फंड में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो कहना इसे 50 में से 35 सम्स नहीं होंगे, 15 सम्स रेपिटेटिव होंगे, तो वो 35 सम्स से मैंने क्या फॉर्मूला सीखा है, मैंने क्या नया लर्निंग सीखा है, मैंने क्या पॉइंट सीखा है, उसको मैं अलग से स्टूडेंट नोट्स में डेवलप करते जाऊंगा। और जब ये स्टूडेंट नोट एंड में डेवलप हो जाएगा तो जब मेरे को ये चैप्टर रिवाइज करना होगा मैं फटाफट स्टूडेंट नोट रिवाइज कर लूंगा और फिर बाद में फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर लूंगा, मेकिंग थिंग्स इजी। एंड एग्जाम के टाइम पे भी मैं वो स्टूडेंट नोट्स को यूज करूंगा, मेरा काम फटाफट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, क्या आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे, क्या आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे? द आंसर इज यस। बट इधर मैं आपको डालता हूं सबसे बड़ा पॉइंट, ये जो स्टूडेंट नोट्स है ना ये मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, लास्ट बैच में भी मैंने करवाया था तो वहां पे भी स्टूडेंट ने लिखा है, बराबर है, तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। बट लेट मी टेल यू, ये स्टूडेंट नोट्स मैं जो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है वो मैं आप लोग को दूंगा ही नहीं। मैं चाहता हूं हर लेक्चर में जो आप लोग नया सीख रहे हो और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो आप मेरे को बोलोगे और वो ही मैं लिखूंगा। आप देखे तो सही, आप लोग के पॉइंट्स भी आप लोग बराबर बोलते हो कि नहीं। हर चीज अगर मैं प्लेट पे दे दूंगा ना, देन इन दैट केस आदतें बिगड़ जाएगी। मेरे पास तो अवेलेबल है रेडी, सीधा दे सकता हूं मैं, बट मैं वो नहीं करूंगा। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, सर ये वाला क्वेश्चन में सर ये वाला पॉइंट है, प्लीज स्टूडेंट नोट्स में एड कर दे देना। सर ये वाला फॉर्मूला सीखा सर, स्टूडेंट नोट्स में एड कर दे देना। सर ये 3 फॉर्मूलाज है सर, स्टूडेंट नोट में आ जाएगा क्या, चलेगा क्या?
ये हुई ना बात, जब ऐसा इंटरेक्शन होगा, जब आप लोग का इनिशिएटिव लोगे, तब बनेगा ये स्टूडेंट नोट्स, इसीलिए नाम ही आपका रखा है। आर यू रेडी फॉर दिस? या आपको लगता है नहीं सर, चुपचाप आप आपका जो स्टूडेंट नोट्स आपका बना हुआ है आप हम लोग को दे दो सर, हम लोग को याद नहीं रहेगा, हम लोग याद नहीं दिला पाएंगे। आप मुझे बताओ क्या स्ट्रेटेजी चाहते हो आप? संकल्प शुड गिव यू, एसके शुड गिव यू, और यू विल डिक्टेट एंड आई विल यूज इट, एंड फिर आप लोग भी उसको यूज करोगे, क्या लगता है? यस, निराली भी बोल रही है सर, वी विल प्रिपेयर इट ऑन आर ओन। एग्जैक्टली यही एटीट्यूड चाहिए मुझे। देखो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देने के लिए दे सकता हूं मैं, क्या मतलब है फिर, है ना? फिर कब अपन सीखेंगे, कब अपना राइटिंग प्रैक्टिस होगा? देखो एक तो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा, फिर अपन सम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला देखेंगे, फिर आप स्टूडेंट नोट्स में लिखोगे, उधर का उधर ही 3 बार हो जाएगा, रिवाइज करने का टेंशन ही नहीं। ये एक सब्जेक्ट है, ऑन द स्पॉट क्लास में आप लोग का गेम ओवर, बाकी सब्जेक्ट में आप ज्यादा टाइम दे पाओगे, उसका बेनिफिट है आपको ये। समझ रहे हो, समझ रहे हो? डन, ओके। सो विल डू ऑन आवर ओन, बट क्लास में ही करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आपका घर पे करना, नहीं, क्लास में ही करेंगे, बट मुझे बताएगा कौन स्टूडेंट नोट्स में क्या आना चाहिए। यस, यू विल टेल इट। अभिषेक बाय। यस, 15। डन गाइस, वील डू इट टूगेदर, बट योर इनपुट्स माई आउटपुट, योर इनपुट्स माई आउटपुट। फिर एंड में मुझे कुछ लगा कि यार ये पॉइंट तुम लोग ने बोला नहीं, तो उसको मैं अलग से ऐड करवा दूंगा, डोंट वरी। बट 95% तो ये स्टूडेंट नोट्स तुम्हारी मेहनत से बनेगा, ठीक है? चल, डन डन डन, ग्रेट। और क्लास में ही बनाएंगे, मैं आप लोग को ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूं कि अरे इसका स्टूडेंट नोट अलग, उसका स्टूडेंट अलग है। स्टूडेंट नोट अपना कॉमन ही बनेगा, बट आप लोग के इनपुट से। तो शायद कभी आरुषि आयुषी कुछ अपना इनपुट दे देगी, कभी भरत दे देगा, कभी रोहन दे देगा, कभी प्रथमेश दे देगा, कभी अभिषेक दे देगा। ऐसे करते करते आप लोग का जब क्यूमुलेटिव थॉट प्रोसेस आएगा, उससे बनेगा ये स्टूडेंट नोट, सबको उसका फायदा होगा, राइट? चलो ग्रेट। एक नंबर अप्रोच, देखो ये अप्रोच सफल या सक्सेसफुल तभी होगा जब आप लोग का 200% कमिटमेंट दिखेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा है। डन, ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। फिर और क्या चीज है इस चीज में? तो ये हो गया, ये स्टूडेंट नोट्स है, इसमें आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हो। और फिर आ जाता है अपना चैप्टर स्टार्ट। अब कोई भी चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं आपको प्रैक्टिकली लिंक करना चाहता हूं, ठीक है? अब यहां पे अगर मेरे को म्यूचुअल फंड कराना है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि भाई मुझे राकेश झुनझुनवाला भी बनना है, मुझे गोल्ड भी खरीदना है, मुझे रियल एस्टेट में भी डालना है, बट मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो उसका सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। तो जहां पे जरूरत है वहां पे मैंने चीजें डायग्रामेटिकली भी ली है, समझ रहे? अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट नोट्स में जो आएगी वो है मैथमेटिकल ट्रिक्स। आप लोगों को पता होगा कि कुछ चीजें अपन लोग शॉर्टकट से कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, उसका भी क्या वर्किंग है वो अपन लोग स्टूडेंट नोट्स में लिख लेंगे, ताकि आपके पास सब चीज एक ही जगह पे रहे। क्या बोलता है पब्लिक, राइट? परफेक्ट, डन। ओके, डन है। चलो, अब ये मैंने एक आइडिया दिया है कि यू नो हाउ द होल प्रैक्टिकल थिंग वर्क्स। फिर बाद में इधर आ जाओ, ये आ गया आपका मॉड्यूल का थियोरी, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हु कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, नैव का फॉर्मूला, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए अपने को। अब ये देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, हाउ टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड, वर्डिंग इंस्टीट्यूट का ही है, बट इंस्टीट्यूट ने एकदम थियोरेटिकल वे में दिया है, उसको मैंने प्रैक्टिकली एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया है फॉर योर ईज। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये फॉर योर ईज। अब प्रैक्टिकली जब आप ये टेबल देखोगे ना, तो ये टेबल से आपको पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड पता चल जाएगा। और ये आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलना, आप यू नो यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा उसको थियोरेटिकली दे दिया, ठीक है? तो वहां पे जहां पे मुझे लग रहा है कि यार उसको थोड़ा टेबुलर टेबुलर फॉर्म में देना चाहिए या वैसा, वो भी मैंने यहाँ पे अप्रोच उसको इस हिसाब से कर दिया है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। अब जैसे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड मॉड्यूल में देखोगे तो यही पॉइंट्स है, बट उन्होंने अननेसेसरी बहुत सारी चीजें डाली है। अपन ने इसको रखा है कंसाइज टू द पॉइंट, जो इंस्टीट्यूट को एग्जाम में चाहिए,
राइट. सो थियोरी पूरा कवर्ड है इन अ इजियर पैटर्न, टेबुलर वे वेर एवर रिक्वायर्ड, और एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया है, सो दैट आप लोग के लिए काम इजी रहे. सो मॉड्यूल का जितना भी थियोरी है, जो आप लोग बोल रहे थे, जो चारुल आई थिंक बोल रही थी, तो उसके हिसाब से भी सारा इधर अपने पास काम आ गया है. सो थियोरी प्लस उसको मैंने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया है. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्लस आ गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन. अब ये थ्योरी तो हो गया, बराबर है, आप लोगों को जो चाहिए था हर एक पॉइंट का थ्योरी यहाँ पे. अब ओपन कर लेना आपका मॉड्यूल और कंपेयर कर लेना म्यूचुअल फंड का जो मैंने अभी इधर थ्योरी दिया और आपके मॉड्यूल का थ्योरी. अगर मॉड्यूल में 10 थ्योरी की चीजें है ना, तो 10 चीजें तो है ही, उसको सिंप्लीफाई करके और कुछ चीजें ऐड करनी है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है. सो आप लोगों को टेंशन लेने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अब जैसे ये है, इंस्टीट्यूट ने ना खाली ये थियोरी लिख दिया, बट इसको डायग्रामेटिकली याद भी तो रखना पड़ेगा, किसमें डिविडेंड मिलता है नहीं मिलता है उसको. लो, मैंने टेबुलर फॉर्म में भी डाल दिया है, इवन इन अ बेटर वे, एंड यू कैन ट्राई इट आउट. पीडीएफ आप लोग के पास है ये चैप्टर का, दे दूंगा मैं अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अभी का भी अपलोड कर दूंगा. एट द सेम टाइम आप लोग को पास मॉड्यूल भी है, कंपेयर कर लेना, यू विल गेट योर आंसर्स राइट. वैसा अच्छा, अब थ्योरी हो गया. जब जब जहां जहां पे भी उसके मेरे को फॉर्मूलाज डालने हैं, वो फॉर्मूलाज डाल दिया मैंने. फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ जो भी पॉइंट्स टू बी नोटेड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है. सो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग के पास आ गई है. अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में उसका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का सोल्यूशन वो भी यहाँ पे मैंने दे दिया. ये अपन सॉल्व करेंगे, क्लास बुक में सॉल्व करेंगे. एक एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, चुन चुन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन के साथ साथ में ही मैंने लिख दिया कि ये क्वेश्चन किस चीज का है. तो फर्स्ट टाइम में तो आपको नहीं समझेगा, बट जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये कैलकुलेशन ऑफ नाइव डिस्प्रिंट इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है. क्या ये एग्जाम में आया है क्या? हाँ यार, मई 2010, मई 2014, मई 2016 में ये एग्जाम में आ चुका है. ए, उसके बाद अरे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्राइस का क्वेश्चन है ये. क्या ये एग्जाम में आया है क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख, ICWA के एग्जाम का क्वेश्चन है. क्या चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? फंड्स के रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है. कुछ मुझे एडिशनल पॉइंट्स डालना है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना वो लोग ने इतना सॉल्व कर दिया है, बट मुझे लग रहा है ये सफिशिएंट नहीं है. तो ये लो भाई अलग से एक नोट बना दिया, बॉक्स बना दिया, जिससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया. ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्टीट्यूट का इतना ही सोल्यूशन है, बट मुझे लग रहा है इससे काम नहीं होगा, एडिशनली आप लोग के लिए एक बॉक्स बना दिया, इसमें नोट्स डाल दिया. सो आपको और एडिशनली कुछ चाहिए तो वो भी वो चीज मिल जाएगा. समझो एवरीबॉडी, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड एवरीबॉडी टू गेट द बुक इन योर हैंड्स एंड गेट स्टार्टेड? यस, हो गया. अब आप लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ये कंपेयर कर लो, एक एक क्वेश्चन कवर्ड विद द सॉल्यूशन. जैसा आपको चाहिए ना, सर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही आंसर चाहिए, लो और उसको सिंप्लीफाइड वे में तो मैं आप लोग को बुक में सॉल्व करवाने ही वाला हूं. सब चीज आप लोग के पास अवेलेबल हो जाएगी. राइट गाइस, डन. So this is how the whole system works. Perfect. Done. एक एक question. Institute का एक एक question included है. क्या concept के ऊपर है? वो हर एक question के बाजू में लिखा है. किस चीज का वो question है? किस चीज का वो question है? हर एक चीज के बाजू में वो भी लिख दिया है. ठीक है? तो चलो, ये वाला चीज हो गया सर. हो गया सर. Perfect. No problem. बट अब सर मॉड्यूल के अलावा आप क्या करवाने वाले हो? तो आपको क्या चाहिए मॉड्यूल के अलावा? आप बोलोगे सर आरटीपी, आप बोलोगे सर पास्ट पेपर का क्वेश्चन. ये लीजिए, आपके सामने आ रहा है. ओहो, इतने सारे क्वेश्चंस. ये रहे आपके सामने पास्ट पेपर क्वेश्चंस. करेक्ट. सो आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन चाहिए से मई 22 का. ये रहा वो पास्ट पेपर क्वेश्चन. ऐसे मॉड्यूल तो अपन लोग ने कर लिया. ये रहो पास्ट पेपर क्वेश्चन. आपको चाहिए मई 22 का वापस एक क्या टाइप का क्वेश्चन है? व्हेन डिविडेंड पेड एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न. ये लो सॉल्यूशन भी है. यस सर. पास्ट पेपर कौन सा? सर दिसंबर 21 का है. ये लो. समझ रहे हो? सर जुलाई 21 का है. ये लो. डन 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 एवरीबॉडी. तो आ गया आपका पास्ट पेपर भी, इसी में आरटीपी भी सब इंक्लूड मैंने कर लिया है. सो ये रहा. प्लस पास्ट पेपर का कुछ थियरी क्वेश्चन है वो भी मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स आफ्टर दिस. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर गाइस. प्लीज एक बार कंफर्म कर लो सब लोग.
डन गाइस। सो ये यहां के साथ मैं लिख देता हूं, थ्योरी प्लस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कहां कहां से पिकअप किया है? मैंने पिकअप किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में से 100%, आपके पास्ट पेपर में से 100%, आपके आरटीपी में से 100%, प्लस मेरा खुद का कुछ तड़का होगा या मुझे ओल्ड पीएम में से कुछ लेना है, वो भी मैंने खुद से अलग से ले लिया है। जय कुमार, दैट वी विल सॉल्व इट इन द क्लास इटसेल्फ, डोंट यू वरी ब्रदर। यस ध्रुविन, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हैज गॉन, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, तो हमारी तरफ से हमने किया है, अब तुम लोग भी ये सेम एफर्ट्स रेसिप्रोकेट कर दोगे ना, मजा आ जाएगा मार्क्स में। थैंक यू। सो आप लोग को स्टार्टिंग में पास्ट पेपर का एक एनालिसिस मिल गया, तो आपको पता चल गया कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। स्टडी मेंटर फॉर योर प्लानिंग, प्रीव्यू, चैप्टर समरी प्लस फॉर्मूलास, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, कोई इतना आपको ये चीज करके नहीं देने वाला है, बिकॉज आई एम गिविंग यू अवर ऑथर्ड बुक, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को साथ साथ में ये देते जाऊं। स्टूडेंट नोट्स, थ्योरी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या मॉड्यूल आ गया? यस सर। क्या पास्ट पेपर आ गया? यस सर। क्या आरटीपी आ गया? यस सर। सर बस सर इतना पढ़ लेंगे, बहुत हो गया सर, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, मोर देन सफिशियंट है। अब इंस्टीट्यूट सपोज कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सेम ना मॉड्यूल का, ना आरटीपी का, ना पास्ट पेपर का, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अपना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और मैं तो चाहता ही हूं इंस्टीट्यूट कुछ अलग ही पूछे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चन। प्लस कुछ इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे गए अपने खुद के मटीरियल में से भी, वो तो अपन लोग ने कर ही लिया है, एंड विल बी एबल टू मैनेज इट। प्लस थियरी भी इंस्टीट्यूट पूछे गए, वो भी अपन लोग कर लेंगे, आई थिंक डन एंड डस्टेड हो जाएगा। बट ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन द क्लास विद योर डिसिप्लिन। सो ये तो सब देखो चीजें जो भी है सारी आप लोग के पास एक जगह पे वन स्टॉप शॉप अवेलेबल है, अब बस इसको अपने को प्रॉपरली करते जाना है, एंड विल बी एबल टू मैनेज इट। फिर बाद में जब आप लोग का ये सेशंस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग के एग्जाम टाइम पे क्या मैं सपोर्ट करूंगा क्या? द आंसर इज येस। सर हाउ विल वी गेट योर सपोर्ट? डेफिनेटली आप लोग को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मैं रिविजन लेक्चर्स दूंगा, चाहिए ना? यस सर। प्लस एट द सेम टाइम एग्जाम के डे पे अपन लोग कर लेंगे एक मैराथन सेशन, सो दैट सब चीजें रिवाइज हो जाए। गॉट इट गाइस? क्या अब आपको एक फील आ रहा है, जैसे ध्रुविन ने बोला था सर पॉइंट नंबर 9 लिखो ना कि आप बेसिक से करवाओगे, क्या अब आपको लग रहा है चीजें बेसिक से ही होने वाली है? आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आप फ्रेशर हो या आपने कभी पढ़ लिया हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको चाहता हूं एक कोरा कागज पे लिखना SFM की कहानी मेरी जुबानी। डन 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 डन, ग्रेट, ओके। फिर एक अपनी बात हुई थी टेस्ट्स को लेके, तो सर टेस्ट अपन कैसे कंडक्ट करने का प्लान है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये थोड़ा हाई लेवल का प्लान होगा, शायद इंडिया लेवल पे अपन लोग ये टेस्ट कंडक्ट करें ऐसा कुछ, बट इसमें मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आप लोग को बता दूं। सर ये टेस्ट इंक्लूडेड है या पेड होगा, वो सब आप लोग को टाइम टू टाइम इंक्वायरी आप लोग को चीजें मिलती रहेगी, बट मैं आप लोग के टोटल 5 टेस्ट लेने वाला हूं। कितने टेस्ट लेने वाला हूं? 5 टेस्ट लेने वाला हूं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, एंड उसके बाद फुल SFM। गॉट इट गाइस? ये 5 फेज या ये 5 पेपर मैं लेने वाला हूं। तो अब जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो उसका इंडिविजुअल टेस्ट मैं ना लू, वो आपको अलग से लेना है, आप लोग दे देना अलग से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं फेज वाइज लूंगा, तो उसमें क्या एक थोड़ा एक कॉम्पिटिटिवनेस भी रहेगा और एक मजा आएगा नेक्स्ट लेवल का, राइट? सो ये फेज वाइज अपन लोग इसको वर्कआउट रखेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फुल SFM। अभी रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट? यस सर। पहले पढ़ाई तो कर ले, फिर ये भी देंगे, देखते हैं कितने लोग देते हैं कितने लोग नहीं देते हैं, देखता हूं मैं। शायद जैसा मैंने बोला कि जब मैं ये फेज 1 का टेस्ट ले रहा हूंगा, तो आई विल ट्राई टू प्रॉब्ली मे अनाउंस इट ऑन YouTube एंड वी मे हैव इंडिया लेवल टेस्ट,
वो और कॉम्पिटेटिवली यू विल बी एबल टू नो वेयर डू यू स्टैंड. क्या बोलता है पब्लिक? ऑल सेट है? पॉजिटिविटी फुल ऑन? परफेक्ट. आपकी तरफ से एक ही मैनिफेस्टेशन चाहिए, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन. चलो गाइस, डन है. सो इस हिसाब से आई डोंट थिंक सो, अगर अपन लोग ने ये सिस्टम को फॉलो किया तो कहीं पे भी किसी भी चीज का प्रॉब्लम होना चाहिए. मैं चाहूंगा कंपल्सरीली आप लोग ये टेस्ट भी देना, अच्छा रहेगा, मजा आएगा. ग्रेट 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 ग्रेट, जोश इज हाई, लेट्स डू इट. ग्रेट. सो ये एक मैंने पूरा आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया है SFM का, इंस्टीट्यूट का अप्रोच, SFM का, संकल्प कांस्टिया का अप्रोच, और आप लोग की तरफ से मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी मैंने सेट कर दिया है. आप लोग ने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, अब चीजों को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है. ठीक है, चलो. सो नाउ अगर मैं खाली एक ओवरव्यू लू कि अपन लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, तो SFM के बारे में अपन लोग डिस्कस करते जा रहे हैं. मैंने तुम लोग से कुछ पूछा कि आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है जरा बताना, तो आपने बोला सर ये सारी चीजें होनी चाहिए, होंगी. एक एक को मैं टिक मार्क कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है. SFM के बारे में आप लोग को मैंने आइडिया दिया है कि चार फेज में अपन ने उसको डिवाइड किया इंस्टीट्यूट के लिए. इट इज डिवाइडेड इंटू 14 चैप्टर्स. मेरा ये है फर्स्ट फेज में 3, नेक्स्ट फेज में 4, तो 7, उसके बाद नेक्स्ट फेज में 2, 9, उसके बाद थ्योरी वाले में 5 चैप्टर्स, टोटल 14 चैप्टर्स एज पर ICAI ऑल्सो. डन. ये चार फेज में ही मैं कराऊंगा, तो पहले मैं फेज 1 कवर करूंगा, फिर फेज 2, फिर फेज 3, फिर फेज 4. अकॉर्डिंग टू जनरल परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फेज 1 एक मीडियम फेज है, तो अपन मीडियम फेज से चालू करेंगे, ना इजी ना डिफिकल्ट, एक चैलेंजिंग वाला फेज. फिर फेज 2 आएगा, तो जब तक अपने को एक फाइनेंस का नॉलेज आ गया होगा, फिर अपन पीक करेंगे डिफिकल्ट फेज पे. सीधा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, अपने को अब नॉलेज आ गया, अब अपन डिफिकल्ट पे जा सकते हैं. फिर पहाड़ चढ़ लिया है, अब पहाड़ उतरना है, इजी, वेरी इजी, एंड देन हो गया, काम हो गया. ठीक है, डन. थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने प्रूव कर दिया आप लोगों को. पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, यूजुअली ये पेपर पैटर्न है, इट कैन चेंज एज पर ICAI. अपने को सब चीज के लिए रेडी रहना है. अपना अप्रोच क्या होगा, आपके पास ऑप्टिमाइज्ड आएगी, ऑप्टिमाइज में होंगे पास्ट पेपर्स, मोटिवेशन, स्टडी मेंटर्स, प्रीव्यू, स्टूडेंट नोट्स, थ्योरी डायग्राम्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. एग्जाम टाइम पे रिवीजन लेक्चर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, मैराथन प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम के एक दिन पहले. अभी के एग्जाम के लिए भी मैंने जैसे दिया था, एंड विल बी एबल टू डू इट. 5 टेस्ट इंडिया लेवल पे मैं लूंगा, एंड वो अगर आप लोग ने दे दिया देन इन दैट केस will be through. तो जैसे जैसे फेज कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग मुझे रिमाइंडर दे देना, आई विल मेक द पेपर्स एंड गिव इट टू यू फॉर सॉल्विंग फॉर श्योर. ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट हर एक चीज अपने को डिराइव करनी है. सो वी विल ऑलवेज फोकस ऑन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, डेरिवेशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ये अगर कर लिया देन चीजें काफी स्मूथ रहेंगी. सो डोंट वरी, अपन डेरिवेशन करेंगे हर एक चीज का, हर एक जो भी थ्योरी है अपन ने देखा, हर एक क्वेश्चन में थ्योरी आ रहा है उसको अपन लोग मैनेज करेंगे, एंड विल बी एबल टू सेट द टोन इन द राइट मैनर. डन गाइस, चल डन है सर. अब लेते हैं अपन लोग एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, बिकॉज बोलते ना थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक तो बनता है. मैक्सिमम 5 to 8 minutes का मैं ब्रेक दूंगा, एवरी डे भी उतने 10 minutes का मैं एक ब्रेक दे दूंगा. वो 10 मिनट्स में आप लोग को अश्योर करना है कि आप लोग जो भी कुछ आपको नाश्ता है, ब्रेकफास्ट या जो भी करना है वो फटाफट करके आ जाओ, एंड देन विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेवल. ठीक है पब्लिक, डन है गाइस. तो फटाफट अपन लोग एक चाय ब्रेक के बाद मिलते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक. डन, सिस्टम सेट लग रहा है, अच्छा, पॉजिटिविटी, ग्रेट, यही चाहिए. अच्छा, स्टूडेंट लोग का डाउट रहता है सर वो डाउट कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको करना है व्हाट्सएप मेरे नंबर पे. तो देखो दो तीन चीजें हैं, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ तो अच्छा है. एक तो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर,
यहाँ पे मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल्स है, यहाँ पे मैं थोड़े क्विज विज लेते रहूंगा, तो वो क्विज के लिए और उसके लिए आप लोग प्लीज ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। इंस्टा पे ऑब्वियसली इंस्टा और ये सब तो फालतू चीजें हैं, बट ठीक है, इस पे भी मैं थोड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें डालते रहता हूँ, तो ये दो तीन चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर लो विदाउट फेल। आई एम श्योर आप लोग ने यूट्यूब तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, बट नहीं किया है तो प्लीज ये कुछ चीजें है वो ज्वाइन कर लो, दैट विल बी गुड। डन, चल मिलते हैं अब एक ब्रेक के बाद। सो ब्रेक का अभी टाइम हुआ है, सो कैन आई से अपन लोग कब मिले? 9:05 को, ठीक है? चल डन, ओके, सी यू ऑल एट दिस टाइम आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ये सब आप लोगों को सर लिखना है तो इसका सब लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी इन जनरल, बट ये वाला चीज तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा मेरे गूगल ड्राइव पे, तो आप लोग वहां से भी लिख सकते हो। एज सच कुछ लिखने का जरूरत है नहीं इसमें अभी वाले में, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट वैसे। ठीक है, आई विल पुट एवरीथिंग ऑन टेलीग्राम इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग इंस्टा और एनीथिंग, डोंट वरी। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बहुत एक्साइटेड हूं मैं ब्रेक के बाद मिलने के लिए, बिकॉज ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इट्स कनेक्शन विद फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट लेवल चीज करने वाले अपन लोग ब्रेक के बाद, नेक्स्ट लेवल चीज। आओ तो अच्छी तरह से फ्रेश होके आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। उसके बीच में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ क्वेरीज हो तो मुझे यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स पे डाल दो, मैं ब्रेक के बाद उसको एड्रेस कर लूंगा। ठीक है, डन।